हमसे बेहतर पात्र अगर आपको मिल जाए, हम आज आपको कह रहे हैं कि उसको चुन लीजिएगा, हमको छोड़ दीजिए। और अगर भावना में ही बढ़ के वोट दीजिएगा तो विकास के बारे में तो विकास सोचना ही विकास है फिर, तो उसी दिन सोच लीजिए कि भाई अब हम भावना में दे दिया, विकास का कोई मतलब नहीं। और तो कहेगा कि शेयर मेरा है ही नहीं, हम क्या करेंगे। बात सुप्रीम कोर्ट भी उस पर जांच करवा रही, तो ये काम होता है भावना से, भावना में बह के आपने वोट दिया इसलिए इसका परिणाम। अब भावना में बह के वोट दिया 2014 में, तो 2014 से 2019 तक भी सांसद थे ना आपके क्षेत्र के, हम तो नहीं थे सांसद, तो उस फिर 5 साल में क्या मरते हैं फिलहाल सांसद, बोला ना भाई एक मरते नहीं। और उस 5 साल में भी जब हम हार गए थे तब भी हम बोली पूरा ये अंतर है भावना में वोट देने से, भावना में बह के वोट देने से और ठंडे दिमाग से सोच के। हमको कोई इससे गिला शिकवा आपसे नहीं होता, हमसे बेहतर पात्र अगर आपको मिल जाए, हम आज आपको कह रहे हैं कि उसको चुन लीजिएगा, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन पात्र चुन लीजिए, पात्र को देखिएगा कि कौन हमारा हित कर सकता है, कौन हमारे विकास का काम कर सकता है और कौन मेरे बारे में सोच सकता है, मेरे दुख तकलीफ में शामिल रह सकता है, मेरे सुख दुख में भागीदार बन सकता है। इसलिए आपसे आगे, और अगर भावना में ही बढ़ के वोट दीजिएगा तो विकास के बारे में तो विकास सोचना ही विकास है फिर, तो उसी दिन सोच लीजिए कि भाई अब हम भावना में दे दिया, विकास का कोई मतलब नहीं, भुला जाइए। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बाकी तो जब तक हम आपके सांसद हैं, आपने जितनी समस्या यहां भी बताई है, एक एक समस्या का हम निदान करेंगे, एक एक समस्या के निदान के लिए हम प्रयास करेंगे और उसका निदान कराएंगे, ये विश्वास और भरोसा हम आपको आज दिला रहे हैं। लेकिन आप भी सोचिए, समय आएगा, अभी तो देर है, अभी तो देर है, अभी तो चिंतन करिए, अभी पहले इतना पहले आपको कह दिए इसलिए कि अभी 1 साल है, अभी चिंतन करिए कि वोट भावना में देना है कि पात्र के देना है। हम मन कर तो कितने भावने में फिर दिया, प्रजातंत्र में आप मालिक हैं, प्रजातंत्र में तो आपके वोट से हम जीतते हैं, आप मालिक हैं, तो आपका जो भी निर्णय